मैं पश्तून ब्लड है मेरा, वॉरियर सोल है मेरी, वजीर कबीले से ताल्लुक है मेरा, भाई मेरा शहीद हो चुका है वॉर ऑन टेरर के बाद। मैं शहीद की बहन हूँ, मैं नहीं समझती हूँ कि मैं अपने खानदान में और अपने पॉलिटिकल करियर में, जहाँ पे फ्यूडलिज्म को फ्यूडल्स को मैं जहाँ पे हरा के आती हूँ, डेरा गाजी खान के लोग मुझे धीर रानी कहते हैं, ऐसा कोई लम्हा मेरे ऊपर नहीं आया कि मैंने ये सोचा कि आई विल गिव अप या मैं इमरान खान को छोड़ दूंगी। वफादारी मेरे खून में शामिल है और रिस्पेक्ट मेरे खून में शामिल है। ये कुर्सी आनी जानी चाहिए। अगर अली करम अल्लाह वजह का कॉल है कि अगर ये कुर्सी फायदार होती तो आज तुम्हारे पास ना होती। इज्जत रहे, रिस्पेक्ट रहे, अपनी जगह खड़ा होना है। आज मुश्किल वक्त है, कल अल्लाह ताला दोबारा जो है ऐवान में तो मैं वैसे आ चुकी, इंशाल्लाह दोबारा इमरान खान वजीर आजम बनेगा। कोई ऐसा लम्हा मेरे ऊपर नहीं आया कि आई विल गिव अप। और उसकी वजह थी, एक तो मेरे पास आवाम की ताकत थी, अपने खून में लॉयल्टी थी, बहादुरी है मेरी पश्तूनों की वजह से, दूसरा मुझे पता था कि मेरा लीडर इमरान खान हक के ऊपर खड़ा है। तो मैं अगर सच्चे लीडर के साथ खड़ी हूँ, जो वो मुल्क छोड़ के नहीं गया, जो वो अपने लोगों का मुकदमा लड़ रहा है अभी तक इतने मुश्किल के बावजूद, तो फिर मैं ये छोटी सी मुश्किल पर। अच्छा, तो प्रेशर था, वैसे प्रेशर रहा जो बाकी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, आते थे हम सांसद छोड़ रहे हैं और उसके बाद कहीं के कहीं चले गए, कोई ऐसा प्रेशर आया अभी इसमें? नहीं, बहुत सारे सारे बातें ख्वाबर है बयान तो हो रहे थे। कोई औलाद की वजह से ब्लैकमेल हुआ, कोई कारोबार की वजह से ब्लैकमेल हुआ, कोई अपने स्टेटस की वजह से ब्लैकमेल हुआ, मैं उनके बारे में तो कोई बात नहीं कर सकती, मगर मुझे इतना पता है कि बहुत सारे लोग जब छोड़ के चले गए वो पछता रहे हैं और वो कहते हैं कि अब हमें आवाम सलाम भी नहीं करती है, क्योंकि पॉलिटिकल करियर खत्म हो गए। जो इमरान खान का करियर खत्म करने आए थे वो खुद माइनस हो गए, उनके पॉलिटिकल करियर खत्म हो गए। लेकिन हम जैसे वर्कर्स या जिसको कहते हैं ना टाइगर साहब हमें कह दें, आवाम ने इतनी इज्जत दी, इतनी लॉयल्टी दी, इतना वोट दिया, इतना साथ दुआएं दी कि मैं ये समझती हूँ कि वो जो कहते हैं ना सख्त वक्त, वो मुझे उसका सिला मिल गया। तो लोटों को अब अपनी जगह सोचनी चाहिए, मेरे अल्फाज नहीं है, मरियम नवाज के अल्फाज है कि लोटों की जगह बाथरूम में हो जाए। मुझे नहीं पता कि वो अपने बाथरूम के लिए कितनी बाल्टियां और कितने लोटे जमा करें।